नमस्कार दोस्तों, कुदरती जड़ी बूटियों में दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक दिव्य चमत्कारिक नुस्खा बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि नुस्खा दोस्तों इस प्रकार से है। दोस्तों जिन लोगों को शीत पित्त की शिकायत हो जाती है, यानी कि शीत उछलने लगता है या जहां हम खुजलाते हैं, तो दोस्तों जिस प्रकार हम कहीं पे खुजलाते थे हैं तो उस जगह पर फूल जाती है, हमारी स्किन में फफोले टाइप के हो जाते हैं, मतलब रेशे बन जाते हैं, जिस तरह आप दोस्तों स्क्रीन में देख रहे हैं दोस्तों ये फ़ोटो में, किस तरह से ये दोस्तों शीत पित्त की समस्या होती है। दोस्तों कई लोगों को कई साल लग जाते हैं, शीत पित्त ठीक नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आपको ऐसा ही एक चमत्कारिक दोस्तों नुस्खा बताने जा रहा हूं दोस्तों। दोस्तों मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाली जो घंटी वाला बटन होता है वो दबा दें, और दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों चलिए हम आपको नुस्खा बताते हैं। दोस्तों एक नुस्खा है जो इस प्रकार से है, काली मिर्च, चार काली मिर्च का पाउडर, यानी कि चार काली मिर्च होती हैं, उन चारों काली मिर्च को पीस करके पाउडर बना लें, और दोस्तों गाय के देसी घी में एक चम्मच गाय के देसी घी में मिला लें, उसमें थोड़ी सी चार या तीन चार चुटकी हल्दी पाउडर मिला लें, और दोस्तों गाय के दूध में चम्मच में मिला करके पी जाएं, तो दोस्तों इससे शीत पित्त में 5 से 10 मिनट में आराम मिल जाता है दोस्तों। और दोस्तों एक और नुस्खा है, जो गेरू होती है जो गांव में फर्श पर लीपा करती हैं महिलाएं, उस गेरी को दोस्तों क्या करना है, लेके आना है, उसका पाउडर बनाना है, चार पांच चुटकी पाउडर शहद में मिलाकर के आपको चाटना है, तो दोस्तों इससे आपका जो शीत पित्त की समस्या होती है वो हमेशा के लिए दोस्तों ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये दोस्तों काफ़ी सालों तक रहता है, लोगों को ठीक नहीं होता है, लोग एलोपैथिक में इलाज कराते हैं फिर भी उसे आराम नहीं मिलता है। तो दोस्तों आयुर्वेदिक में इसका समाधान है, और दोस्तों है, लेकिन ये आयुर्वेदिक में थोड़ा समय लगता है, लेकिन बीमारी को जड़ से ठीक कर देता है आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा। तो दोस्तों एक मार्केट में मिलता है दोस्तों, खदरा रिष्ट मिलती है मार्केट में, आप दोस्तों उसका भी सेवन कर सकते हैं। और दोस्तों एक और पाउडर मिलता है बनाया हुआ, जो प्रोडक्ट कंपनी बेचती है, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं आप, हरिद्रखंड। दोस्तों हरिद्रखंड भी आप ले सकते हैं, तो हरिद्रखंड बहुत ही बढ़िया है शीत पित्त के लिए, यानी कि चर्म रोग, सभी प्रकार के चर्म रोग के लिए फ़ायदेमंद होता है, उसके साथ और खदरा रिष्ट अगर पिए तो और ज़्यादा लाभ मिलता है। तो दोस्तों ये रहे मैंने आपको बताए हैं, और एक और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ताकि आप इनमें से किसी भी चीज़ को ले सकते हैं। दोस्तों शीत पित्त भंजन रस के नाम से एक शीशी आती है, बॉटल्स में टैबलेट होती है, वो दोस्तों एक एक गोली खानी पड़ती है खाना खाने के बाद, तो दोस्तों आप उसको ले सकते हैं, उससे भी बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, वो शीत पित्त के लिए ही बनाई गई है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों मिलते हैं हम किसी एक नई वीडियो के साथ दोस्तों, एक चमत्कारिक नुस्खे के साथ दोस्तों, जड़ी बूटी के साथ दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।